हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज्वेलरी हॉल बोल सकते हैं आप, या एक मिनी रिव्यू बोल सकते हैं, क्योंकि आज मैंने पहली बार फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की है ज्वेलरी की। अभी तक तो आपने मेरे बहुत सारे ज्वेलरी के वीडियोज़ देखे होंगे जो मैंने मोस्टली अमेज़ॉन से या फिर मीशो से लिए थे, पर पहली बार मैंने फ्लिपकार्ट के जो शॉप्सी है वहाँ से कुछ ऑर्डर करा है देखने के लिए कि कैसे आता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट्स आए हैं और मुझे कैसे लगे हैं। और ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, जैसे कि आपको पता होगा मेरे वीडियोज़ में ट्रेंडी चीज़ें तो मिलते हैं पर अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है। तो ऑलमोस्ट हर ज्वेलरी आज जो मैं लेकर आई हूँ वो अंडर, आई थिंक बोल सकते 70 रुपीज़, अंडर 70 रुपीज़ ही होगी। मोस्टली एक हाथ होगी जो ऊपर होगी, वैसे तो अंडर 100 आप बोल सकते हैं, पर एग्जैक्टली 70 रुपीज़ भी बोल सकते हैं, इतना कम रेट में मुझे मिला है। तो मैंने ट्राई करने के लिए मंगाया है, पर ऐसे नहीं कि 70 रुपीज़ के अंडर है तो बहुत ओल्ड फैशन है या कुछ है। ट्रेंडी चीज़ें जो आजकल चल रही है वही मैंने मंगाई है, तो देखते हैं कैसे आती है। तो चलिए मैं आपको बताऊँगी उसके बारे में। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा भी यूज़फुल लगता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट्स लिख सकते हैं प्यारे प्यारे कि आपको कैसे लगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इनमें से कुछ मैंने मीशो से भी लिया है, एक हाथ दो लिए हैं, और बाकी तो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है इस बार, और उसमें भी क्या हुआ है मैं आपके साथ बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वरना बहुत लंबा हो जाता है मैं बात करने बैठती हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये वाले ज्वेलरी सेट से। ये एक्चुअली ऐसे ही पैकिंग में आया था, उसके बाद एक जो पैकेट वाला फ्लिपकार्ट का जो पैकिंग होती है वैसे आया था, पेपर बैग वाला, ऐसे पैकिंग में था। मैंने तो उसका पैकिंग फेक दी है, इसीलिए मैं उसके बाद ऐसे बॉक्स में आया था, और ये ऐसा ही था खुलासा, इसलिए इसकी पैकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जबकि मीशो से मैंने अभी तक जो भी ऑर्डर किया था मुझे बहुत अच्छे पैकेजिंग में आया था, जैसे कि मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, तो मुझे इसकी पैकेजिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो चलिए प्रोडक्ट निकालते हैं। ऐसे ही आया है, जैसे इसमें रखा है वैसे ही था। तो इसमें एक्चुअली दो सेट है, एक कॉम्बो मंगाया है मैंने दो सेट का, तो उसमें से पहला वाला निकालते हैं। मैं कॉम्बो ज़्यादा प्रिफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ज्वेलरी वैसे भी बहुत पसंद है, और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब वो ऐसी है कि वो हम कभी भी कहीं भी पहन सकते हैं, तो वैसे ही ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है। ये देखिए, ये एक नेकलेस सेट है जो कि बहुत ही प्यारा है। देखिए इसकी फिनिशिंग, देखिए इसके जो बड़ा सा पेंडेंट है, देखिए यहाँ पर गणेश जी बने हुए हैं, बड़ा सा पेंडेंट है और झुमके लगे हुए हैं नीचे, और इसकी लेंथ भी ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसका मेटल भी ठीक ही है, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं लग रहा है, लाइट वेट ही है। तो ये एक नेकलेस सेट है, उसके साथ मुझे छोटी छोटी झुमकी मिली है, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही छोटी है, क्योंकि मैं इतने छोटे पहनती नहीं हूँ, पर कभी कभी अच्छे लगते हैं पहनना। जैसे देखिए इतनी भी छोटी नहीं है, पर ठीक है। तो ये झुमके इसके साथ मिले हैं, जो झुमके नीचे लगे हुए हैं उसी साइज़ की झुमकी है। तो ये फर्स्ट सेट है जो कि मुझे तो अच्छा लगा है, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, देखिए फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, और यहाँ पर भी ऐसे घुंघरू लगे हुए जो कि बहुत ज़्यादा बचते नहीं हैं, अच्छे क्वालिटी के लग रहे हैं मुझे तो। अभी देख के यूज़ करके देखते हैं कि काला पड़ता है कि नहीं। वैसे तो मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ अपनी ज्वेलरी को, जो सालों साल अच्छी रहती है। तो इसमें अब ये हो गया मेरा फर्स्ट सेट कॉम्बो का। अब इसी के साथ मुझे दूसरा भी मिला है, जो कि ये है, दिखाती हूँ आपको, ये है एक फ्लावर वाला चोकर सेट। देखिए इसमें 5 फ्लावर्स बने हुए हैं, और इसके साथ एक ब्रॉड चेन से अटैच है ये, देखिए पीछे साइड से दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा है। फिनिशिंग इसकी भी बहुत अच्छी है, मतलब कुछ चुभ नहीं रहा है, कुछ नहीं, इसके फ्लावर्स भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत ज़्यादा सिल्वर नहीं है ये, थोड़ा सा मेटालिक है, ब्लैकिश मेटालिक लग रहा है,
बहुत ज़्यादा वाइट वाला नहीं वैसे भी पसंद आता है, और इसके साथ एक छोटी चेन है जिसके साथ हम जिसको हम एडजस्ट करके हमारी गले के हिसाब से एडजस्ट करके पहन सकते हैं। तो ये ऐसे चोकर है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसलिए मुझे ये ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जितना भी लूँ, मेरे पास इतनी है फिर भी, जितना भी लूँ फिर भी मुझे ये पसंद ही आती है। नए नए प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने के लिए मैं करते ही रहती हूँ। और इसके साथ मुझे मिले हैं ऐसे ही फ्लावर वाले इयररिंग्स। अगर आपको कभी चोकर पहनने का मन ना हो, जैसे मैंने आज इयररिंग्स पहने हुए हैं, वैसे ही आप पहन सकते हैं सिर्फ इयररिंग्स भी, और अच्छे खासे बड़े हैं, बहुत छोटे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, मीडियम साइज़ के हैं, तो सिर्फ इयररिंग्स भी आप पहन सकते हैं, बहुत प्यारे लगेंगे। और ये वेस्टर्न इंडियन सब पे चलते हैं इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पहन सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट कॉम्बो हुआ, और ये कॉम्बो मुझे मिला है 151 रुपीज़ में, यानी दोनों सेट मुझे 151 रुपीज़ में मिले, तो समझ सकते हैं आप कि मुझे 75 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपीज़ के करीब एक सेट पड़ा हुआ है, यानी कितना अफोर्डेबल है। 80 रुपीज़ में एक पूरा सेट सेट विथ ईयरिंग्स मिलना मुश्किल होता है, आजकल ईयरिंग्स ही नहीं मिलती है 100 रुपीज़ और 80 रुपीज़ में, तो ये तो पूरा सेट मिला है मुझे, इसलिए मुझे ये वाला डील बहुत पसंद आई। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप ये यूज़ मतलब ले सकते हैं अगर आपको पसंद आते हैं। और इसका अगर लिंक वगैरह कुछ होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और मीशो में जैसे कोड होते हैं उसके कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं और ले सकते हैं अपने लिए। तो ये वाला तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ये ले, तो ये अच्छा है, विन विन ऑफर है। उसके बाद मुड़ते हैं सेकेंड की तरफ, इसका पैकेजिंग मैंने निकाली नहीं थी, तो ये है फ्लिपकार्ट का, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने अपने पैसों से ख़रीदा हुआ है, क्योंकि मैं अच्छे डील्स ढूंढते रहती हूँ, और अभी तो बहुत सारी सेल्स चल रही है, तो अभी तो आपको और भी अच्छे अच्छे डील्स मिलेंगी, पर उसमें बहुत सारी कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, तो आप प्लीज़ पढ़कर फिर ऑर्डर कीजिएगा। तो ये ऊपर की पैकेजिंग तो मैंने आपको दिखा दी थी, अब उसके बाद ये कार्डबोर्ड वाला पैकेजिंग में मिला है मुझे ऐसे। और उसके बाद आजकल जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी चल रहे हैं चोकर सेट, वो मैंने मंगाया है, मुझे ये मिले हैं पैक ऑफ थ्री, सेट ऑफ थ्री मिले हैं। तो चलिए खोल के दिखाती मैं आपको कैसे हैं। फर्स्ट वाला है पिंक कलर, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे कलर्स के, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, मरून, पिंक, ग्रीन, ब्लू, बहुत सारे ग्रे, तो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं कॉम्बो। इस कॉम्बो में थ्री मिलते हैं, तो फर्स्ट है मेरा ये, देखिए ये पिंक कलर का सेट है, उसके बीच में बड़ा सा पिंक स्टोन लगाया गया है, नीचे मोती है, और यहाँ भी स्टोन्स लगाए गए हैं, और इसके बाजू में ये जो है वो बीड्स है। ये बीड्स इतने अच्छे नहीं हैं जैसे कि आप दिख रहे हैं, शाइन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, ठीक ठाक है, पर अगर ओवरऑल लुक देखा जाए तो अच्छा लुक दिख रहा है, पर मुझे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी, फ्रैंकली स्पीकिंग सच में मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसके पहले भी मैंने ये चोकर सेट मंगाए हुए हैं, मीशो से भी एक बार मैंने मंगाया था जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत अच्छा था इसका क्वालिटी, इसकी क्वालिटी सो है, इतनी अच्छी नहीं है, पर प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ठीक है, अगर आपको साड़ियों पे पहनने के लिए लगते हैं तो आप पहन सकते हैं। देखिए इसका लुक बहुत अच्छा है, पर इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी है, जैसे कि ये वाले ड्रेस पे भी मेरे अच्छा लग रहा है ये पिंक सेट, तो ठीक है, ये मैं आपको नहीं बोलूँगी बहुत फोर्सफुली कि ये लेना चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये डील इतने प्राइस में, इसका प्राइस में बताऊंगी अभी आपको, इस प्राइस में आपको कैसे लगती है, मुझे तो ये इस प्राइस में तो ठीक लग रहा है इसका, पर इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा रफ रफ भी है, ये जो क्रिस्टल्स है, स्टोन्स है, बीड्स है, सॉरी नॉट क्रिस्टल, ये बीड्स जो है वो सोसो ही है, और यहाँ पर भी आपको दिखेगा गोल्डन और इसका, और इसके पीछे एक डोरी लगी है एडजस्ट करने के लिए कि अपने गले के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं नेक के हिसाब से। तो ये हो गया फर्स्ट वाला कॉम्बो का, और उसमें सेम ईयरिंग्स मिले छोटे छोटे, जो कि मुझे इतने पसंद नहीं आए क्योंकि मैं छोटे ईयरिंग्स मुझे इतने पसंद नहीं आते। उसके बाद सेकेंड, इसी का सेकेंड कॉम्बो है ये, जो कि है ब्लैक कलर में, देखिए ब्लैक कलर वाला थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, बाकी दो से ब्लैक थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा शाइनी है इसमें, पर फिर भी ये थोड़ा सा रफ है, मुझे ऐसा लगता है कि गले में अगर किसी को ज्वेलरी से एलर्जी वगैरह होती है तो ये शायद प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि मुझे भी होती है,
तो देखती हूँ मैं, ट्राई करके देखूंगी। तो इसके बीच में जो है वो वाइट स्टोन लगा हुआ है और नीचे मोती लगे हुए हैं और आजू बाजू भी स्टोन्स लगे हुए हैं। तो ये ब्लैक कलर थोड़ा ठीक लग रहा है और ब्लैक कलर का पहनने के बाद अच्छा ही लगता है, लुक अच्छा आता है। और ब्लैक कलर हम किसी पे भी पहन सकते हैं। वैसे तो आजकल इतना मिक्स एंड मैच का है कि हम लोग किसी पे भी किसी को भी मैच कर सकते हैं, पर ब्लैक अच्छा लगता है सब पे। ये देखिए, वाओ, ये पहनने के बाद अच्छा लग रहा है। तो अगर एक ही सेट हमें इस प्राइस में मिलता है तो काफ़ी होता है, पर इसमें तीन मिले इसलिए मैं इसको बोलूँगी अगर आपको थोड़ा ठीक ठाक चलता है तो आप ले सकते हैं। इसके साथ भी मुझे सेम ईयरिंग्स मिले हुए हैं, इसके साथ भी सेम, इसके वाइट स्टोन जो स्टोन बीच में लगा है उसी कलर के स्टोन का ये ईयरिंग्स में भी लगे हुए हैं देखिए, और नीचे मोती लगा हुआ है। तो ये भी ठीक ठाक है, ब्लैक ठीक है, ब्लैक अच्छा लग रहा है। इसके बाद मुड़ते हैं थर्ड सेट की तरफ जो कि है ग्रीन कलर का। ग्रीन भी आजकल बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल कलर है, तो इसका थर्ड है ग्रीन कलर जो कि बहुत ही ज़्यादा साड़ियों पे जाता है या ड्रेसेस पे जाता है। ग्रीन कलर तो किसी पे भी अच्छा लगता है कॉन्ट्रास्ट में भी, तो वो है ये देखिए ग्रीन। इसका जो ग्रीन कलर है स्टोन का वो अच्छा है, पर इसकी मोती का कलर थोड़ा लाइट है, इससे ये भी अच्छा लग रहा है। ये ज़्यादा चुभने वाला नहीं लग रहा है, पर इसका भी शाइन आप देख सकते हैं इतनी नहीं है, हल्की सी है। इसके नीचे भी मोती लगा है, सेम ही कॉम्बो है, जैसे कॉम्बो में है तो सेम ही है, पैटर्न सेम है, सिर्फ कलर डिफरेंट है। तो ये है ग्रीन कलर का। इसके पीछे भी ऐसी डोरी लगी हुई है एडजस्टमेंट के लिए, देखिए। वाह, ये भी पहनने के बाद अच्छा लग रहा है। मैंने बताया ये पहनने के बाद लुक बहुत अच्छा देते हैं ऐसे चौकस, बस हाँ इसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो ये हो गया ग्रीन सेट थर्ड वाला, और ये है उसके ईयरिंग्स ग्रीन स्टोन के साथ। तो ये हो गया थर्ड सेट, और ये हो गया तीनों का जो कॉम्बो है वो मुझे मिला है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने भी नहीं किया था, वो मुझे मिला है 176 रुपीज़ में ओनली। तो यानी 60 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपीज़ का एक सेट पड़ा। तो आप सोचिए 60 रुपीज़ का सेट आपको कैसे मिलना चाहिए, उसके हिसाब से तो मुझे लगता है बहुत अच्छा मिला है। मुझे खुद ही बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा कोई डील होगा, मुझे तो लगा शायद एक ही सेट आएगा, पर आए, तीनों आए हैं। और इसमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन है, अगर आप चाहिए तो ले सकते हैं, पर बस यही बोलूँगी कि इसकी क्वालिटी सो सो है, बहुत ज़्यादा अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी नहीं पसंद आई है इसकी क्वालिटी, पर देखती हूँ मैं शायद रखूँ या फिर रिटर्न करूँ, तो मुझे अभी, मैंने अभी तक सोचा नहीं है, पर मुझे इतना पसंद नहीं आया है, पर हाँ पहनने के बाद लुक अच्छा ज़रूर आता है। तो चलिए, ये हो गया मेरा सेकेंड कॉम्बो सेट। अब मुड़ते हैं थर्ड कॉम्बो सेट की तरफ जो कि है ये। ये तो देखने से आपको पता चल ही गया होगा, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चल रहा है अभी। और ये है पर्ल के और जो शेल होते हैं उसके ईयरिंग्स का कॉम्बो है, और ये मैंने मीशो से मंगाया है। इसका पैकेजिंग देखिए कितनी अच्छी है, अच्छे खासे प्लास्टिक बॉक्स में आई है, उसके ऊपर भी पैकेजिंग थी। तो फर्स्ट था ये, ये आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके होंगे, ये ईयरिंग्स है जो है शेल के, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत ही प्यारे है। और ये मूव करते हैं, अगर हम इस साइड से पहनना चाहें या फिर इस साइड से, हम कैसे भी इसे मूव कर सकते हैं। ये शेल के अंदर मोती दिख रहे हैं और ये ऐसे लॉक करने के हैं, ये हुप्स है बेसिकली, मैंने पिछले वीडियो में अपने पहने थे। बहुत ही प्यारे लगते हैं ये पहनने के बाद, पर ये हाँ थोड़ा हेवी है क्योंकि शेल्स है, प्लास्टिक नहीं है, एक्चुअल शेल्स है, इसलिए ये थोड़ा हेवी है। तो ये हो गया फर्स्ट ईयरिंग्स जो कि बहुत ही प्यारे। उसके बाद सेकेंड ईयरिंग की तरफ मुड़ते हैं जो है क्योंकि है ये मैंने नहीं पहने हैं अभी तक, ये भी अभी अभी आए हुए हैं। और ये है ये जो हम क्या बोलते हैं, कौड़िया बोलते हैं हम लोग, तो कौड़ियों से बने हुए ईयरिंग्स है जो कि बहुत, ये भी हुप्स ही है, कौड़िया बनी हुई है, देखिए कौड़िया को अटैच करके बनाया गया है। क्या क्या फैशन बन जाती है, कभी हमने सोचा नहीं होगा कि इसके ईयरिंग्स भी पहनेंगे, पर अभी पहन रहे हैं। ये हम खेलने के लिए, बचपन में खेलने के लिए भी यूज़ करते थे कौड़ियाँ, तो वैसे ईयरिंग्स है जो कि पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है ये भी आजकल, और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब चीज़ें। तो
तो इसलिए मैंने ये मंगाए हैं। और ये मुझे मिले हैं 134 रुपीज़ में, और ये मैंने मीशो से मंगाया है 134 रुपीज़ में, यानी अप्रॉक्सीमेटली 70 रुपीज़ तक एक पड़ा है। तो आप बोल सकते हैं कि इसमें से हर ज्वेलरी आपको अंडर 70 रुपीज़ या अंडर मैक्सिमम 80 रुपीज़ ही है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। पर बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और अच्छी भी है, ट्रेंडी भी है, तो ट्रेंडी पीसेस है। तो ये हो गया मेरा लास्ट कॉम्बो, आज के वीडियो का लास्ट कॉम्बो। तो बताइएगा कि आपको अच्छा कैसे लगा और प्राइजेस कैसे लगे, प्राइजेस के हिसाब से चीज़ें कैसे लगी, और आगे भी बताइएगा कि आपको कौन से वीडियोस देखना अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मुझसे कौन सा वीडियो आपको देखना है और किस चीज़ का रिव्यू आपको देखना पसंद है, तो मैं वैसे वीडियोज़ भी लेकर आपके लिए आते रहूँगी। तो ये हो गया आज का वीडियो, और हाँ, इनके जो भी कोड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, जो भी लिंक मिलेंगे मुझे मैं डाल दूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जाकर ले सकते हैं, और नहीं तो आप बस लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और हाँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, थोड़ा भी यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ मेरे बहुत सारे एक्स्ट्रा अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।